अस्सलाम वालेकुम। नर्सरी क्लास में आज हम नोटबुक में पैटर्न राइटिंग में आई लिखना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पैटर्न राइटिंग में हम आई लिखना सीखेंगे। हम अब नोट में सीख रहे हैं कि हम नोट में किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो, यहाँ पर हम आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई। स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। इसे हम क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। क्या? आई। स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से हमें पूरा पेज भरकर आई लिखना है। क्या लिखना है? पूरा पेज भरकर पैटर्न राइटिंग में हमें आई लिखना है। क्या लिखना है? आई। इस तरीके से हमें फोर लाइन की नोट में किस तरीके से लिखना है वो हमें आ जाएगा। तो अच्छे से आपको ये होमवर्क करना है। तो देखो, हम यहाँ पर ये पूरा पेज भरकर आई लिखेंगे, उसके बाद आगे का लिखेंगे। तो देखो, इस तरीके से अच्छे से आपको पूरा पेज भरकर आई लिखना है। फिर देखो उसके बाद क्या है। पैटर्न राइटिंग में हम ई सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ई सीखेंगे। हमें स्टैंडिंग लाइन आ गई, स्लीपिंग लाइन आ गई, तो उससे हम आई बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आई। स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से हमें आई लिखना आ जाएगा। क्या आएगा? हमें आई लिखना आ जाएगा। तो देखो, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से हमें आई लिखना है। क्या लिखना है? आई लिखना है। देखो, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से आपको पूरा पेज भर कर ई लिखना है। क्या लिखना है? ई। उसके बाद देखो एफ। तो एफ भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। आगे हमने थ्री स्लीपिंग लाइन की थी, यहाँ पर हमें टू स्लीपिंग लाइन करनी है। देखो, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से आपको एफ लिखना है। क्या लिखना है? एफ लिखना है। तो अच्छे से पूरा पेज भर कर आपको एफ लिखना है। क्या लिखना है? एफ। इसे हम क्या बोलेंगे? एफ बोलेंगे। तो स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से आपको पूरा पेज भर कर एफ लिखना है। क्या लिखना है? एफ लिखना है। तो अच्छे से आपको ये होमवर्क करना है। तो देखो, आपका होमवर्क क्या है? आई, ई और एफ, वो आपका होमवर्क है। तो अच्छे से होमवर्क करना है।